हेलो दोस्तों आज एक नया डिजाइन बनाएंगे ये देखें ये कुछ इस तरह से बन के आएगा ये फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो चाहे वो जेंट्स स्वेटर हो लेडीज स्वेटर हो कार्डिगन है बॉय स्वेटर है किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे बना सकते हो सभी में बना हुआ ये बहुत प्यारा लगता है इसे बनाने के लिए आपको ट्वेंटी के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए प्लस एक एक स्टिच दोनों साइड में एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए ये जरूर रखिएगा जब आप सिलाई करोगे तो आपका डिजाइन खराब नहीं होगा तो यहां पे मैंने एक सेट बना लिया है अगेन रो वन से मैं इसे रिपीट करूंगी तो आप बॉर्डर बना लीजिए जैसा भी आपको पसंद हो अपनी पसंद से बॉर्डर बना ले रो वन से हम डिजाइन को शुरू करेंगे तो कास्ट ऑन कर लीजिए डिजाइन शुरू करते हैं ये मेरी रो वन है स्लिप करेंगे पहले स्टिच को अब यहाँ पे हम तीन तीन स्टिचेस की केबल बनाएंगे लेफ्ट साइड को तो पहला स्टिच स्लिप करना है बैक लूप से आपने तीन स्टिच लेने हैं इन्हें आगे लेके आना है और आगे वाले तीन स्टिचेस को पीछे कर देना है तो इस तरह से आप बैक लूप से लें तीन स्टिच आगे ले आए और आगे वाले स्टिचेस पीछे कर दें वापस ले लेंगे सिलाई में और जो हमारे छह स्टिचेस हैं इन्हें आपने सीधा बनाना है तो ये हमारी लेफ्ट साइड की केबल बन रही है छह स्टिचेस की दो तीन चार पांच और धागा अपनी तरफ करेंगे बारह स्टिचेस उल्टे में बनाएंगे तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह बारह स्टिच हमने उल्टे में बना लिए हैं धागा पीछे करें अब जैसे हमने स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड की केबल बनाई है वैसे ही हम केबल बनाएंगे छह स्टिचेस की लेकिन राइट साइड को तो राइट साइड के लिए फ्रंट से तीन स्टिच लें और इन्हें आगे ले आए और आगे वाले तीन स्टिचेस को पीछे कर दें इस तरह से वापस ले लेंगे सिलाई में और छह स्टिचेस सीधे में बना दें एक दो तीन चार पांच और ये हमारे छह स्टिचेस बन गए हैं ये एक सेट बन गया है इसी को अगेन आपने रिपीट करना है तो रिपीट करेंगे लेफ्ट साइड की केबल से जो हमने छे तीन तीन ती स्टिचेस की बनाई थी टोटल छह स्टिचेस थे तो बैक से तीन स्टिच लेंगे और इन्हें आगे ले आएंगे और आगे वाले तीन स्टिच पीछे कर देंगे वापिस ले ले सिलाई में और छह स्टिच सीधे बना दें एक दो तीन चार पांच और धागा अपनी तरफ करके बारह स्टिच उल्टे में बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह धागा पीछे करें अब जैसे हमने पहले वाले सेट में बनाया था एक हमारे लेफ्ट साइड का ट्विस्ट है तो एक हमारा राइट साइड का ट्विस्ट बनेगा तो फ्रंट से तीन स्टिच लें और इन्हें आगे ले आए और आगे वाले तीन स्टिचेस को पीछे कर दें वापस ले लें सिलाई में और छह स्टिचेस सीधे बना दें। तो एक दो तीन चार पांच और छह। अगेन फिर से रिपीट इसी तरह बनाते जाएं। ये राइट साइड की केबल बन गई है लेफ्ट साइड की केबल से दोबारा से रिपीट शुरू करें और इसी तरह बनाते हुए राइट साइड को कंप्लीट कर लें ये हमारी राइट साइड बन गई है टर्न कर लीजिए रॉन्ग साइड बनाएंगे तो रॉन्ग साइड हमेशा आपने वैसे ही बनानी है जैसा आपका स्टिच होगा तो सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बनाते हुए रॉन्ग साइड को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे छह उल्टे बनेंगे बारह सीधे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह अगेन फिर से छ उल्टे एक दो तीन चार पाँच और छ रिपीट करेंगे छः उल्टे बारह सीधे अगेन फिर उल्टे. इसी तरह करते हुए आपने जैसा स्टिच आएगा उसे वैसा ही बनाते हुए रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर ले तो ये हमारी रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है टर्न कर लीजिए राइट साइड बनाएंगे स्लिप करेंगे पहले स्टिच को तीन सीधे एक दो और तीन धागा अपनी तरफ कर लेंगे अगेन फिर से ट्विस्ट करेंगे हम तीन तीन स्टिचेस का तो ये तीन उल्टे स्टिचेस जो हैं हमारे वो यहां आ जाएंगे और सीधे वाले स्टिचेस अंदर आ जाएंगे तो बैक लूप से तीन उल्टे स्टिचेस लें इन्हें आगे ले आए और आगे वाले तीन स्टिचेस को पीछे कर दें वापस ले लेंगे सिलाई में अब जो स्टिच जैसा है उसे वैसा ही बनाएंगे तो तीन उल्टे स्टिच हमारे आगे आए हैं तो इन्हें हम उल्टा बनाएंगे एक दो और तीन तीन उल्टे बना लिए धागा पीछे करेंगे अब ये हमारे सीधे वाले स्टिच हैं इन्हें हम सीधा बनाएंगे तो एक दो और तीन धागा अपनी तरफ करेंगे छह उल्टे एक दो तीन चार पांच छ धागा पीछे कर ले अब जिस तरह से यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करा है यहाँ पे हम राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे तो राइट साइड के लिए फ्रंट से तीन स्टिच लेंगे और इन्हें आगे ले आएंगे और आगे वाले ये तीन उल्टे स्टिचेस जो हैं इन्हें हम पीछे कर देंगे तो इस तरह से ये तीन उल्टे स्टिच हम पीछे कर रहे हैं वापिस ले लें सिलाई में अब सीधे स्टिच को सीधा बना ले और उल्टे स्टिच को उल्टा बनाएं। तो तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे तीन उल्टे एक दो और तीन अगेन धागा पीछे करेंगे तीन सीधे एक दो और तीन ये हमारा एक सेट बन गया है इसी को अगेन आपने रिपीट करना है तो तीन सीधे से शुरू करेंगे एक दो तीन अब लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करेंगे तीन सीधे और तीन उल्टे का आप चाहो तो इस तरह से सेकंड नीडल ले लीजिए या जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे भी बना सकते हो तो तीन स्टिच लें सीधे वाले और इन्हें फ्रंट में रखें अपनी तरफ धागा अपनी तरफ करेंगे पहले तीन उल्टे स्टिच बना लें एक दो और तीन धागा पीछे करेंगे अब ये जो सीधे वाले स्टिच है इन्हें वापस ले लें सिलाई में और इन्हें आप सीधा बनाइएगा तो धागा पीछे करके तीन सीधे एक दो और तीन अगेन धागा अपनी तरफ करेंगे छह उल्टे एक दो तीन चार पांच और छ अब राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे तीन सीधे तीन उल्टे का तो तीन स्टिच लें एक दो और तीन इन्हें बैक में रखें धागा पीछे करके पहले सीधे वाले स्टिच बना लें तो तीन सीधे एक दो और तीन अब धागा अपनी तरफ कर लें और ये बैक वाले जो उल्टे स्टिच हैं इन्हें वापस ले लें और धागा अपनी तरफ करते हुए इन्हें उल्टा ही बनाएंगे तो एक दो और तीन धागा पीछे करेंगे तीन सीधे एक दो और तीन अगेन फिर से तीन सीधे से रिपीट शुरू करें और इसी तरह बनाते हुए राइट साइड को कंप्लीट कर लें टर्न कर लीजिए रॉन्ग साइड सेम रहने वाली है जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाएंगे तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को तीन उल्टे तीन सीधे धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे एक दो तीन धागा पीछे करेंगे छह सीधे एक दो तीन चार पांच छ अगेन धागा अपनी तरफ करें तीन उल्टे तीन सीधे तीन उल्टे फिर से रिपीट करेंगे इसी तरह से आगे बनाते जाएंगे तीन उल्टे तीन सीधे तीन उल्टे फिर छह सीधे और इसी तरह आगे कंटिन्यू बना के रॉन्ग साइड को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे ये मेरी रॉन्ग साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है टर्न कर लीजिए राइट साइड बनाएंगे स्लिप करेंगे पहले स्टिच को तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे तीन उल्टे एक दो और तीन अगेन फिर से तीन सीधे और तीन उल्टे का ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड को तो लेफ्ट साइड का ट्विस्ट है आपने तीन स्टिचेस लेने हैं और इन्हें फ्रंट में रखना है एक दो और तीन इन्हें फ्रंट में रखें पहले आप उल्टे वाले स्टिचेस बना लें तो तीन उल्टे एक दो और तीन धागा पीछे करेंगे अब ये जो फ्रंट में तीन सीधे स्टिच रखे थे इन्हें आप वापस ले लें और इन्हें सीधा बना दें एक दो और तीन ये हमारा लेफ्ट साइड का ट्विस्ट हो गया है सेम अगेन राइट साइड का ट्विस्ट बनाएंगे स्लिप करें तीन स्टिच उल्टे वाले ती, तीन स्टिच हैं ये इन्हें आप बैक में रखें पहले सीधे वाले स्टिच बना लें एक दो और तीन अब ये जो उल्टे स्टिच हमने बैक में रखे थे इन्हें वापस ले लें बैक सिलाई से और इन्हें हम उल्टा ही बनाएंगे तो धागा अपनी तरफ करें तीन उल्टे एक दो तीन अगेन फिर से तीन उल्टे बनाएंगे एक दो तीन धागा पीछे करेंगे तीन सीधे एक दो और तीन ये हमारी एक सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है इसी को हम अगेन रिपीट करेंगे तो तीन सीधे से शुरू करेंगे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे धागा अपनी तरफ ही रखेंगे बैक लूप से तीन स्टिच लेंगे इन्हें आगे लाएंगे और आगे वाले तीन स्टिच सीधे वाले पीछे कर देंगे वापिस ले लें सिलाई में अब तीन उल्टे और तीन सीधे एक दो तीन अब लेफ्ट साइड का ट्विस्ट हो चुका है राइट साइड का बनाना है तो फ्रंट से तीन स्टिच लेंगे और इन्हें आगे ले आएंगे और आगे वाले तीन उल्टे स्टिच जो हैं, इन्हें हम पीछे कर देंगे वापस ले लें सिलाई में और तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे एक दो तीन ट्विस्ट हो गया है नेक्स्ट बनाएंगे तीन उल्टे तीन सीधे अगेन तीन सीधे से शुरू करें और इसी तरह रिपीट करते हुए राइट साइड को कंप्लीट कर लें यह हमारी राइट साइड बन गई है टर्न कर लीजिए रॉन्ग साइड बनाएंगे स्लिप करेंगे पहले स्टिच को तीन उल्टे छह सीधे छह उल्टे अगेन छ सीधे और इसी तरह आगे फिर आप रिपीट करते जाइए जैसा स्टिच है वैसा ही आता जाएगा तो छह सीधे छ उल्टे ये सारी रो हमारी सेम ही बनने वाली है छह सीधे छ उल्टे छे सीधे छ उल्टे करते हुए हम रॉन्ग साइड को कंप्लीट करेंगे तो यहां पे ये मेरी रॉन्ग साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है टर्न कर लीजिए राइट साइड बनाएंगे स्लिप करेंगे पहले स्टिच को तीन सीधे छ उल्टे एक दो तीन चार पांच और छ धागा पीछे करेंगे अब यहाँ पे आपके पास इस तरह से सेंटर में छह सीधे स्टिच आ जाएंगे इन्हें आपने राइट साइड का ट्विस्ट बनाना है चाहे आप केबल कह लीजिए ट्विस्ट कह लीजिए जैसा भी हो आपने इसे तीन स्टिचेस जो है फ्रंट से लेने हैं आगे लाने हैं और आगे वाले स्टिच पीछे लेके जाने हैं राइट साइड का केबल के के, बनाएंगे तो फ्रंट से इस तरह से तीन स्टिच लेंगे और इन्हें आगे लाएंगे और आगे वाले तीन स्टिच पीछे कर देंगे वापिस ले लें सिलाई में और राइट साइड का ये ट्विस्ट बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और ये मेरे सीधे वाले स्टिच थे इसीलिए मैंने इन्हें सीधा ही बनाया है तो छ स्टिच मैंने यहाँ सीधे बना लिए हैं धागा अपनी तरफ करेंगे छह उल्टे एक दो तीन चार पांच छे धागा पीछे करेंगे तीन सीधे एक दो तीन ये हमारा एक सेट बन गया है इसी को रिपीट करेंगे दोबारा से तो तीन सीधे छे अगेन ट्विस्ट करेंगे राइट साइड को तीन तीन स्टिचेस का तो फ्रंट से तीन सीधे स्टिच लें और इन्हें आगे ले आए और आगे वाले तीन सीधे स्टिच पीछे कर दें वापिस लेंगे सिलाई में और छह स्टिच सीधे बना देंगे धागा अपनी तरफ करके छह उल्टे तीन सीधे और अगेन फिर से तीन सीधे से शुरू करते हुए राइट साइड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे टर्न कर लीजिए रॉन्ग साइड बनाएंगे स्लिप करेंगे पहले स्टिच को तीन उल्टे छह सीधे छह उल्टे छह सीधे और अगेन फिर से छः उल्टे छह सीधे करते हुए आप इसी तरह से रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लें तो यहां पे ये मेरी रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है टर्न कर लीजिए राइट साइड बनाएंगे स्लिप करेंगे पहले स्टिच को तीन सीधे एक दो तीन तीन उल्टे एक दो और तीन अब जिस तरह से पहले हमने यहां पे लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करा था सेम वैसे ही तीन सीधे तीन उल्टे का राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे तो तीन स्टिच लें और इन्हें बैक में रखें इस तरह से और पहले सीधे वाले स्टिच बना लेंगे तो एक दो और तीन तीन स्टिच सीधे बना लिए हैं वापस लेंगे स्टिचेस जो उल्टे वाले हैं हमारे ये तीन और इन्हें हम उल्टा बनाएंगे तो धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे एक दो तीन अब धागा अपनी तरफ ही रखिएगा जैसे हमने ये राइट साइड को ट्विस्ट करा है वैसे ही इसे हम लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करने वाले हैं तो पहले तीन ये जो हमारे सीधे स्टिच हैं इन्हें ले लें सिलाई में इन्हें फ्रंट में रखें और उल्टे वाले स्टिच पहले बनेंगे तो एक दो तीन ये तीन उल्टे स्टिच बना लिए हैं धागा पीछे करें वापिस ले लें सीधे वाले स्टिच सिलाई में और इन्हें आप सीधा बना दें एक दो और तीन धागा अपनी तरफ करेंगे तीन उल्टे तीन सीधे ये हमारा एक साइड बन गया है इसी को अगेन आपने रिपीट करना है तो तीन सीधे से शुरू करेंगे एक दो और तीन धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे अगेन ट्विस्ट करेंगे राइट साइड को तो तीन सीधे वाले स्टिच आगे ले आए और ये उल्टे वाले स्टिच जो हैं हमारे इन्हें पीछे कर दें वापिस ले लेंगे सिलाई में और तीन सीधे तीन उल्टे धागा अपनी तरफ ही रखेंगे लेफ्ट साइड का ट्विस्ट करेंगे तीन सीधे तीन उल्टे का तो तीन उल्टे स्टिच लें और इन्हें आगे ले आए और तीन सीधे स्टिच पीछे कर दें वापस लेंगे सिलाई में और तीन उल्टे एक दो तीन और तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे तीन उल्टे और तीन सीधे अगेन फिर से तीन सीधे से शुरू करें और इसी तरह रिपीट बनाते हुए राइट साइड को कंप्लीट कर लें टर्न कर लीजिए रॉन्ग साइड बनाएंगे स्लिप करेंगे पहले स्टिच को तीन उल्टे तीन सीधे तीन उल्टे धागा पीछे करेंगे छह सीधे एक दो तीन चार पांच धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे तीन सीधे और अगेन तीन उल्टे इसी तरह फिर से रिपीट करेंगे और रॉन्ग साइड को कंप्लीट करेंगे तो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है टर्न कर लीजिए राइट साइड बनाएंगे स्लिप करेंगे पहले स्टिच को तीन सीधे अब अगेन यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे राइट साइड को तो फ्रंट से सीधे वाले स्टिच आगे ले आए और उल्टे वाले स्टिच को पीछे कर दें वापिस ले लें सिलाई में अब तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे एक दो और तीन यहाँ आप सेंटर में आपके छह उल्टे स्टिच आएंगे इन्हें उल्टा बना लें एक दो तीन, चार पांच धागा अपनी तरफ ही रखिएगा अब यहाँ पे हम लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करने वाले हैं तो उल्टे वाले स्टिच आगे ले आए और सीधे वाले स्टिच को पीछे कर दें। वापस लेंगे सिलाई में और जैसा स्टिच है उसे वैसा ही बनाएं तो तीन उल्टे तीन सीधे अगेन तीन सीधे बनाएंगे एक दो तीन और ये हमारा एक साइड बन गया है इसी को अगेन आपने रिपीट करना है तो तीन सीधे से शुरू करेंगे ट्विस्ट करेंगे तो फ्रंट से तीन सीधे वाले स्टिच आगे लाएंगे और उल्टे वाले स्टिच इसको पीछे कर देंगे वापिस ले लें सिलाई में और सीधा स्टिच सीधा बनेगा और उल्टा स्टिच उल्टा बनेगा तो तीन सीधे तीन उल्टे अगेन से, सेंटर वाले ये छह स्टिच उल्टे आएंगे एक दो तीन चार पांच छ अब धागा अपनी तरफ ही रखेंगे और लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करेंगे तो बैक लूप से उल्टे वाले स्टिचेस को आगे लाएं और सीधे वाले स्टिचेस पीछे कर दें वापस ले लेंगे सिलाई में और तीन उल्टे तीन सीधे अगेन यहाँ पे ये लास्ट में हमारे तीन सीधे स्टिच आएंगे तो इन्हें सीधा बना ले। और अगेन दोबारा से फिर से रिपीट शुरू करेंगे तो तीन सीधे से रिपीट शुरू करिएगा और इसी तरह बनाते हुए राइट साइड को कंप्लीट कर लीजिएगा टर्न कर लीजिए रॉन्ग साइड तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को छह उल्टे बारह सीधे अगेन फिर से छ उल्टे और इसी तरह आगे रिपीट करते हुए रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लेंगे टर्न कर लीजिए रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे हमारा डिजाइन भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है ये देखें ये दो रिपीट में कुछ इतना बन के आया है तो आप जब इसे तीन या चार बार रिपीट कर लोगे तो ये बहुत प्यारा लगता है बना हुआ स्पेशली जेंट्स स्वेटर में जरूर ट्राई करिएगा बहुत प्यारी लुक आती है इसकी बनने के बाद तो डिजाइन कैसा लगा मैसेज कीजिएगा पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को और अगर आप इसे गर्ल स्वेटर में ट्राई कर रहे हो तो आप इसे बॉर्डर मत बनाइएगा इसके लिए आप इसे बॉर्डर की तरह ही यूज करिएगा जब आप इसे बनाना शुरू करोगे तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में सिर्फ इस तरह से सीधे सीधे में जैसे हम गार्ड स्टिच बनाते हैं आ, राइट साइड से भी सीधा बनाते हुए और रॉन्ग साइड से भी सीधा बनाते हुए दो सिला बनाइएगा दो से ज्यादा नहीं बनाइएगा सिर्फ दो सिलाइया बनाइएगा यानी कि राइट साइड से एक सिलाई रॉन्ग साइड से दूसरी फिर राइट right साइड से तीसरी और रॉन्ग साइड से चौथी यानी कि गार्टर में आपके जो हमारे दो स्टिच आ जाने चाहिए दो सिलाइयां बन जानी चाहिए उसके बाद आप इसे बॉर्डर में ट्राई करिएगा जब आप इसे गर्ल स्वेटर के बाजू में बनाएंगे और बॉर्डर में यूज करेंगे तो ये बहुत प्यारा लगता है बना हुआ तो ट्राई जरूर करिएगा और जब आप इसे बनाओगे आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है आप चाहो तो कर सकते हो आ, मेरी एक छोटी सी एडवाइस है अगर आप इस डिजाइन को ट्राई कर रहे हो तो आप ये देखें ये मैंने इसमें जो है आठ नंबर की सिलाइयों से मैं इसे बना रही हूं लेकिन ये बेबी वूल है जिसे हम नॉर्मली दस नंबर की सिलाइयों से बनाते हैं आप जब इसे ट्राई करोगे अगर आपकी ऊन नौ नंबर की सिलाइयों में है तो आप इसे एक नंबर एक्स्ट्रा लेके ही चलिएगा ये देखें ये बिल्कुल भी लूज नहीं हुआ है पूरा प्रॉपर बना है आप ये नहीं सोचिएगा कि अगर आपने सिलाईयां बड़ी लगा दी तो खराब हो जाएगा ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये केबल है और जो ये ट्विस्ट है ये लगातार बन रहे हैं तो इसके लिए अगर आप जो सिलाई है थोड़ी लूज रखोगे तो ये डिजाइन और भी प्यारा बन के आएगा तो ट्राई जरूर करिएगा और प्लीज भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा थैंक यू